जो जोश बलबला और जज्बा मैंने जेएलएम के नौजवानों में देखा, मेरे साथियों यकीन मानो के मुझे आज फखर है कि मैंने नौजादा तालब मेहदी को जेएलएम का जो यूथ विंग का सदर बनाया था, आज तालब मेहदी ने, गुलाम कियानी ने, अरसलान जावेद ने और इनकी टीम ने ये साबित कर दिया कि वाकई ये नवाज शरीफ के वो शेर हैं जो ये ओहदे डिजर्व करते थे। मेरे भाइयों, आज जो अब्दुल्ला आसिफ का मैंने काम देखा, एमएसएफ का, मैं समझता हूं कि वाकई वो डिजर्व करते थे कि उनको एमएसएफ की नुमाइंदगी दी जाए। वो आकाश साहब की माइनॉरिटी विंग हो, अब्दुल्ला आसिफ की एमएसएफ हो या तालब मेहदी के जेरे निगरानी चलने वाली यूथ विंग हो, नौजवानों आज आपने साबित कर दिया कि जेएलएम के नौजवान मियां नवाज शरीफ के साथ हैं, मियां शहबाज शरीफ के साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। और वो क्यों साथ हैं? क्या वो गालियां देने के लिए साथ हैं? हरगिज़ नहीं। क्या वो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए साथ हैं? हरगिज़ नहीं। क्या वो खुदा ना खास्ता नो मिल जैसे वाकयात करने के लिए साथ है? हरगिज नहीं। ये नौजवान मुस्लिम लीग नून के साथ, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ इसलिए हैं क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जो राज है वो नवाज शरीफ के पास है। क्योंकि जब मुल्क को तरक्की देनी हो, मुल्क में मोटरवेज बनानी हो, तो एक ही नाम जहन में आता है, उसका नाम मियां नवाज शरीफ है। मेरे भाइयों, जब खुद रोजगार स्कीम के तहत, येलो कैब स्कीम के तहत लोगों को रोजगार देनी हो, तो एक ही नाम जहन में आता है, वो नाम नवाज शरीफ है। जब भारत एक्ट की धमाके करे और हमें आलमी दुनिया में तनहा करने की साजिश करे, तो उसके पांच के मुकाबले में छह छह एक्टी धमाके करने वाले का नाम नवाज शरीफ है। मेरे भाइयों, जब अमेरिका हमारे F-16 हथियारों के पैसे खा जाए और हमें F-16 हथियारे ना दे, तो फिर पाकिस्तान की फिजाओं में जो गन गरज JF-17 Thunder तैयारों की आप सुनते हैं, वो JF-17 Thunder तैयारे पाकिस्तान लाने वाले का नाम नवाज शरीफ है। जब पाकिस्तान की आवाम दहशतगर्दी में, बम ब्लास्ट में, अगवा बराए तावान में, कराची में टारगेट किलिंग में घिरी हो, तो फिर पाकिस्तान में जिस शख्स ने अमन लेके आया, जिसने पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म की, जिसने टारगेट किलिंग खत्म की, उसका नाम नवाज शरीफ है। जब आवाम को बेहतर सरकारी सहूलियात देनी हो, जब तुर्की और चीन के साथ मिलकर मेट्रो, बस और ऑरेंज ट्रेन लाइन चलानी हो, तो फिर एक ही नाम जहन में आता है, वो नाम है नवाज शरीफ का। जब नौजवानों के हाथों में डंडे नहीं, बंदूक नहीं, लैपटॉप देने की वक्त आए, तो फिर उस वक्त एक ही नाम जहन में आता है, वो नाम है नवाज शरीफ का। मेरे भाइयों, जब वालदैन यहां पे मेहनत करके अपने बच्चों को तालीम दे और उनके बच्चे आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहे और उनके वालदैन उन नौजवानों को ना भेज सके, तो फिर बैरून मुल्क जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिए जाते हैं आला तालीम के लिए, वो प्रोग्राम देने वाले का नाम
नवाज शरीफ है। जब सस्ता आटा देना हो, जब आटे का थैला 500 रुपए का देना हो, तो वो आटे का थैला 500 रुपए देने वाले का नाम नवाज शरीफ पे है। जब गरीब के पास रमजान में अपने मामला चलाने के लिए हालात बेहतर ना हो, तो फिर रमजान बाजार लगाने वाले का नाम नवाज शरीफ है। जब पंजाब में सस्ती रोटी देने का वक्त आए, तो वो सस्ती रोटी देने वाले का नाम नवाज शरीफ है। और नवाज शरीफ की मैं कितनी खिदमत इस कौम को गिनवाऊं कि कभी तो वो भारत की आंखों में आंखें डालता है और अपने दो तिहाई इकतदार को ठोकर मार के भारत और अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ऐसी धमाके करता है। कभी सस्ता आटा देता है, कभी मुफ्त दवाइयां देता है, कभी लैपटॉप स्कीम देता है, कभी येलो कैब स्कीम देता है। और एक ये फितना था जिसने 4 साल में पाकिस्तान